कौन से वर्ड यूज करें जिससे आपको समझ में ये इसको ऊपर चढ़ना है। कम ऑन, स्टार्टिंग करो ब्लॉग की। वेलकम गाइस टू दिस ब्लॉग। और मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बच्चे की कूलर लगाने जाना है। भाई ये तो पहले काम करवाती थी, अब इसका बच्चा भी हम लोग से काम करवाता है। देखिए अब पट से सो जाएगा। ये तो चल गया। Nothing ever stays the same. Won't you let it? अब लंच टाइम है, अब लंच करेंगे और निकलेंगे। कितने बजे का टाइम है हम लोग को दिया है वहाँ पे? 3 से 5 का। हाँ तो अभी 3 बज रहे हैं, लंच वंच कर लेते हैं। ये भमोसा एकदम बैठे हैं कि दीदी मुझे भी थोड़ा सा एक बाइट दे दो। नहीं मिलेगा? नहीं, आप लोग बहुत तेल की दे रहे हो। नहीं, नो। चलिए फटाफट खा के रेडी होते। इसका तो अलग ही हिसाब है। मेरी रानी, मेरी टुम्पा, तो हम लोग अभी वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं। दीदी जाएगी, मैं जाऊँगा, प्रशांत और एक प्रशांत का फ्रेंड आया हुआ है वो भी जाएगा। नाम क्या है अपना बता दो। जितेंद्र। जितेंद्र है इसका नाम। ये प्रशांत का फ्रेंड है, कलीग ही है, तो ये भी चलेगा हम लोग के साथ। ये देखो अभी हम लोग यहाँ पे वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और किसी ने भी आधार कार्ड नहीं लिया है। और समझदार लोग हर जगह मिल जाते हैं। क्या अगर मैं बेहोश हुई तो इसका रिकॉर्डिंग मत लेना। उसी का तो रिकॉर्डिंग लेना है लोगों को, रोड क्रॉस करके। हाँ। लोगों को उसी का तो वेट है कि तुम कम से कम बेहोश होश हो, मसाला वसाला मिले ब्लॉग में। हम लोग खो गए गाइस। हम खो गए हैं, ये कहाँ पे। अब हमको मम्मी की बड़ी याद आ रही है। अब हम लोग जाएंगे घर, हम लोग को नहीं लगवानी वैक्सीन। ढूंढने के बाद हम लोग को मिल गया है, वरना हम लोग सोच रहे थे घर चलते हैं, नहीं कर पाएंगे वैक्सीन। वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे कल रात में शादी हुई थी, अब यहीं पे वैक्सीनेशन सेंटर बन रहा है। क्या मस्त स्कूल है यार। अबे वो हाथ पकड़ के ऐसे जा रहा है ना, मुझे और डर लग रहा है। ये लड़का हाथ पकड़ के जा रहा है वहाँ पे। Nothing ever stays the same. Won't you let it change? Hey, करने के बाद यहाँ एक फुहारा का सिस्टम है, यहाँ पर आके नहा सकते हैं। हाँ सीधे खेल सकते थे अच्छे से। यहाँ से तो हमने वैक्सीन लगा ली, पर यहाँ आने के बाद इसने मना कर दिया है, तो हम चलेंगे इधर से सीधे बाहर तक। पैदल चलना पड़ेगा। मैं पैदल नहीं चल पाऊंगी, तुम जल्दी से रिक्शा चलो। अंकल के पीछे बैठा देंगे साइकिल पे। पैदल नहीं चल पाओगे, नहीं सब बैठा दे क्या, चले जाएंगे बाहर तक। एक तो वैक्सीनेट करने के बाद इतना फ्रूटी नहीं मिली। एक तो हम पहले तो हम रास्ता भूल गए। हाँ। फिर हमारा वैक्सीनेटर के बाद फ्रूटी नहीं मिली, अब हमें रिक्शा नहीं मिला।
क्या बात है भाई, वैक्सीनेशन लगवा ली तुमने? लगवा ली अरे कौन से ही लगवाई थी, 45 साल वाली या 18 साल वाली या 65 वाली? तो फिर 45 वाले में लगवाई होगी तूने? ऐसे कर दो एक बार। एक्चुअली हमने जो रिक्शा लिया है ये थोड़ा सा लग्जीरियस रिक्शा है, इसमें आप सनरूफ देख सकते हैं, जो ऊपर सनरूफ बनाया हुआ है। भाई इंडिया में कुछ भी हो सकता है। And if we should separate, go your own way, I won't wait. Wait, let it burn to the, let it burn. Wait, let it burn to the. A few moments later. हम लोग को वैक्सीन लगाए 5 घंटे हो गए, हम लोग सिर्फ नहाए और ऐसे लग रहे हैं जिंदगी झुन 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 चल रही है। आज हमने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, खोने का एक्सपीरियंस लिया है इतने बड़े होकर के, फिर खोने का और फिर वो ई रिक्शा में सनरूफ वाला एक्सपीरियंस लिया, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है वैक्सीनेशन का। और हम तीनों के हम सुबह से सोच रहे थे हम लोग मतलब क्या बताएंगे आप लोगों को, कैसा लग रहा, कैसे मतलब समझ पाएंगे हम लोग की फीलिंग को, कौन से वर्ड यूज करें जिससे आपको समझ में कि फाइनली हमें एक बंदे का स्टेटस दिखा, वो स्टेटस हमारे फीलिंग को इतना बढ़िया दिखा रहे थे, उस बंदे से मैं स्टेटस को मांगा कृपया करके लास्ट की क्लिप जरूर देखें, हम तीनों की सिचुएशन बदल जाएगी। हाँ बाकी हम लोग खुश हैं, अच्छे हैं हम लोग। हाँ हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, खुश हैं, हम लोग खुश हैं, खुश हैं, हम लोग दिल्ली में स्लॉट खुले हुए हैं, बस आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा उसके लिए। हाँ और कोई भी इन्फ्लुएंस हो करके अपना कैमरा लेके वहाँ सेंटर पर नहीं जाए। मैंने बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन फॉलो किए, उसके बाद जाकर के उन्होंने कुछ क्लिप मुझे शूट करने दिया, तो उसके लिए सबसे स्पेशली है फ़ोटो वोटो खिंचवाइए, इतना वो नहीं है, पर ध्यान रखिए इस चीज़ का, जिसको नहीं पता हो तो ऐसी कोई भी प्लानिंग ना करें जैसे मैंने कर दिया था। तो वैक्सीनेशन एक वर्ड में अगर हम लोग बताएँ तो वैक्सीनेशन लाइक ड्रग्स, समथिंग ड्रग्स। हर मम्मी को हमने बोल दिया है कि मम्मी तुम एकदम एक्टिव रहो, हम लोग डीएक्टिव है। तो गाइस आज मम्मी व्लॉग की स्टार्टिंग कर गया, लो गाइस हां कल का व्लॉग देखते हैं मम्मी करेगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वैक्सीनेट हो जाइए। You know my dick, I know she like it 'cause.